अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबके कहने पर आज मैं अपने वॉइस पे वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फेस स्मूथ करने का तरीका। मैं कम अज़ कम 3-4 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो मैं न्यू पिक्चर के साथ फेस स्मूथ की वीडियो लेके आया हूँ। सो उसको मैं सबसे पहले स्नैपशीट में ले जाऊँगा। ये स्नैपशीट में आ गई है। तो सबसे पहले आपने जो बेहतरीन इसका तरीका है वो आपने ये टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने ट्यून इमेज पे जाके ये फर्स्ट पे ब्राइटनेस ये आपने बढ़ानी है यहाँ तक। फिर आपने कंट्रास्ट थोड़ी सी बढ़ा देनी है और सैचुरेशन भी आपने बढ़ा देनी है या कम कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। साथ ये तकरीबन 22 पर रख लें, एम्बियंस आप 22 पर रख लें और हाईलाइट आप थोड़ी सी कम कर लें, शेडो भी आप कम कर लें, ये अच्छा लगेगा कम करने पे। ये आप वार्म अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पे कर लूँगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा, ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं फेस, यहाँ पे आपने जूम कर लेना और फिर टूल्स पे जाके आपने सेलेक्टिव लेके आना है और फिर यहाँ से जो जगह आपकी ब्लैक है वहाँ से आपने वाइट कर लेना है। मेरी ये जो माथा है थोड़ा सा ये ब्लैक है, तो यहाँ से मैं वाइट कर लूँगा। इस यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक और लेके आ जाऊँगा सेलेक्टिव और यहाँ से कुछ वाइट कर दूँगा। ये देख रहे हैं फेस, ये वाइट होने के बाद मैं यहीं पे रखूँगा और मैं टूल्स में जाके यहाँ से लेंस ब्लर पे जाके ये लेंस ब्लर लेके आऊँगा और ब्लर थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा, कम 10 पे रखूँगा और ये यहाँ तक ठीक है। ट्रांसिशन 50 पे ठीक है। ये विंटेज आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये ज़ीरो कर दें आप और यहाँ से आपने डन कर देना। यहाँ डन करने के बाद आपने ये ऊपर जो ये लेयर बनी है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने व्यू एडिट्स यहाँ पे जाके ये लेंस ब्लर पे आके आपने ये दरमियान वाला जो एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने ज़ीरो कर देना, अगर ये ज़्यादा है तो ज़ीरो कर देना है। और फिर आपने मेरे ख्याल से आप ऐसे कर दें और यहाँ से आप 100 कर दें। आपको ये देखना ये स्मूथ हो रहा है, ये मैंने जो ब्लर वाला सिस्टम आपको बताया ये ऐसे स्मूथ हो रहा है बिल्कुल VIP करके यहाँ से। ये देखें आप बिल्कुल VIP प्रोफेशनल फेस स्मूथ हो रहा है जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। आप अब देख सकते हैं आपके सामने सब। अभी तो मैंने इसको फेस ट्यून में भी ले जाना है, उससे पहले आप ये देख लें मैंने फेस कैसे कर दिया। ये देखें आप कितना फ़र्क आ गया इसमें। अब यहाँ से फिर मैं सेलेक्टिव पे जाऊँगा तो यहाँ से थोड़ी सी वाइट कर लूँगा, ये जगह थोड़ी सी वाइट कर लूँगा और यहाँ से जगह जो है ये भी ब्लैक लग रही है। सेलेक्टिव पे जाके ये जगह भी वाइट कर लेंगे। एक फ़ोटो पे आप कम से कम टाइम ज़्यादा लगाया करें ताकि फ़ोटो अच्छी बने। ये देखिए अब यहाँ पे मैं डन कर दूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अब ये स्नैपशीट फोल्डर में आऊँगा तो अब मैं इसको ले जाऊँगा ब्रश में। एयर ब्रश में आ गए हैं, इसको आप जूम कर लें, स्मूथ ये स्मूथर पे आके आपने आप फिर जूम कर लेना है। इसको यहाँ से आपने स्मूथ करना शुरू कर लेना, पहले भी हमने किया है उधर स्नैपशीट में, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो ये जो दाग धब्बे हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे दाग धब्बे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ये देख लें, अब आपने यहाँ से एंड पे जाके स्किन ट्यून पे आना है। ये इसमें से मैं वाइट ज़्यादा कर बैठा हूँ, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ ठीक नहीं लग रहा, जहाँ पे आपको ठीक लगे आपने वहाँ से वहाँ पे करना है। आप मकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पर,
और यहाँ से आपने रेज़र पे आना है, यहाँ से आपने रेज़ कर देना, ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके ओके, एक बार इसको फिर आपने स्मूथ कर देना। अब आप देखें आप पिक्चर कितनी वीआईपी हो गई। अब इसके हेयर थोड़े से मैं सेट कर लूँगा, यहाँ पे जाके रीशेप पे हैवी, और फिर यहाँ से हेयर जो है वो थोड़े से सेट कर लूँगा, डन कर लूँगा। और फिर आपने जाना है फिल्टर में, हंसी ये क्लीन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मेरे यार की पिक्चर है तो क्लीन इस पर अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरे चेक करूँगा। ये चेक कर लेते हैं, शेडो में चेक कर लेते हैं, ग्लॉसी फॉर्म मज़ा नहीं आ रहा, इसमें से जो है ये यही ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में। हाँ यही रोज़ ही हम कर लेंगे। अब देखें आप पिक्चर में काफ़ी बेहतरी आ गई है। सबसे अहम बात, आपने स्नैपशीट में फेस को बिल्कुल बराबर प्रोवाइड कर लेना है, उसके बाद स्नैपशीट के बाद आपने इधर आ जाना एयरब्रश में, और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फोटो एडिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँगा, आपका फोटो एडिट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर